छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब इलाके में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे लगभग 1000 से ज्यादा युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं की पुलिस के साथ बहस भी हो गई। युवाओं के न मानने से विपरीत पुलिस ने युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस धरना स्थल पर जरूरत से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर युवाओं को समझा रही थी, लेकिन प्रदर्शन कर युवा ज्यादा भीड़ जमा होने से उग्र होते गए और पुलिस के साथ भी उलझ गए। उग्र युवाओं पर काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 10 से ज्यादा युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं को धरना स्थल पर सिर्फ 100 लोगों को ही आने की अनुमति दी थी, लेकिन यहां 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। गिरफ्तार युवाओं के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ा हो गया। भूपेश बघेल के पुलिस हर आतंकवादी समर्थे, लुटेरा समर्थे, डकैत समर्थे, का समर्थे, जो इस प्रकार से लाठीचार्ज कर रहे थे। ये पुलिस के ताकत, ये पुलिस के स्वाभिमान कहां मर जा रहे थे जब छत्तीसगढ़ में अपराध होते थे। वो टाइम तो गूंगा भैरा बन के छत्तीसगढ़ के पुलिस पर बैठे रहते और युवा बन के ऊपर आज जब रोजगार के मांग कर रहे थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे। इस प्रकार से लाठीचार्ज कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाए। रोजगार दे के वादा में सरकार में आ रहे, रोजगार देना पड़ी। आज ये युवा बन आवाज न लेके सड़क पे निकली से ये युवा बन प्रलय ला सका थे। जिस तरह से युवाओं को आगे करके बीजेपी ने अपनी ताकत भूपेश सरकार को दिखाई है, उससे देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रदेश बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है और बेरोजगार युवाओं के जरिए भूपेश सरकार पर निशाना साध रही है। अब बीजेपी की इस नई रणनीति का सामना छत्तीसगढ़ कांग्रेस और खुद भूपेश बघेल कैसे करते हैं, ये देखना होगा। भूपेश बघेल खुद जानते हैं कि चुनावी मौसम में इस तरह से बीजेपी समर्थित प्रदर्शन तेज होंगे और उन्होंने इससे निपटने की तैयारी कैसी कर रखी है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। We'll be right back.